हेलो एवरीवन, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी होल्ड पेमेंट के ऑप्शन का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ये बात देखी गई है कि जब हम किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विस अगर हमने परचेज करी है, तो उस परचेज इनवॉइस के ऊपर जितना हमने टैक्स पे किया है उसका हमें ITC क्लेम करना होता है और हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसका ITC क्लेम करते हैं। लेकिन कई बार सप्लायर्स की गलती की वजह से तो वो ITC हमें नहीं मिलता है और वो हमें पैसा एक बार अपनी जेब में से गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। यानी कि अगर सप्लायर्स अगर अपनी GST R1 फाइल नहीं करेगा तो उसका ITC बायर्स को नहीं मिलेगा। तो जबकि हम उस सप्लायर्स को उस इनवॉइस की पेमेंट भी कंप्लीट है जो कर चुके होते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि भी डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी डिमांड है जो निकाल दी जाती है कि आपने ITC बुक कर लिया लेकिन ये 2A 2B के अंदर ये इतना आपका ITC शो नहीं हो रहा है, तो इसका पैसा आप अपनी जेब में से एक बार और जमा कराओ। तो बिजनेसमैन का देखा जाए तो जो बायर्स है उसका GST की पेमेंट वो एक तरीके से दो बार पे कर रहा है। पहले तो उसने अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर दी, दूसरा गवर्नमेंट को एक बार वो दोबारा अपनी जेब में से पे कर रहा है। तो ये जो GST होल्ड पेमेंट का ऑप्शन है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो ये आपका सप्लायर से जो आपने गुड्स परचेज करी है या कोई सर्विस परचेज करी है उसके ऊपर जितना ITC आया है उस ITC के अमाउंट को आप होल्ड करके रख सकते हो तब तक जब तक उस ITC का जो पैसा है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक। जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा उसका आपको ITC क्लेम मिल जाएगा, तो आप अपने सप्लायर से उसकी पेमेंट है जो कर सकते हो। अदरवाइज देखने को मिलता है भी हम हमारे सप्लायर्स को जब पेमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता भी इसकी GST की अमाउंट इस इनवॉइस के अंदर कितनी थी, वो हमें रोकनी है या फिर नहीं रोकनी है। तो ये सारी बातें ये GST होल्ड पेमेंट का ऑप्शन है ये हमें बताएगा भी आपको पेमेंट पूरी कंप्लीट करनी है या फिर केवल GST के अमाउंट को होल्ड करना है, केवल टैक्सेबल वैल्यू की आपको एक बार पेमेंट करनी है। तो ये ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 4.0 के वर्जन के अंदर, वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आप इस फीचर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और ये फीचर्स काफ़ी अपडेट है और ये फीचर्स है जो काफ़ी एक बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है, क्योंकि इससे ITC आपका काफ़ी हद तक जो सिक्योर रह सकता है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन है और GST होल्ड पेमेंट ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमें उसको इनेबल करना होगा, तो देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम चलते हैं गेटवे टेली पे, और वो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे होल्ड GST रिपोर्ट और होल्ड GST पेमेंट। फिलहाल अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आपके सामने कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, रिपोर्ट हम जब एंट्री करेंगे तब आपको ये सारी बातें दिखाई देंगी। अब सबसे पहले ये आपको किस तरीके से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, हम इस वीडियो में बताएंगे आपको और किस तरीके से इस फीचर्स को इनेबल करना होगा। अब हम वाउचर पे चलते हैं और एक परचेज वाउचर की हम एंट्री करते हैं। हम डेट लेते हैं 30 जनवरी, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक इनवॉइस नंबर लगा दिया D123 और इनवॉइस के अंदर भी D123 मैंने, वाउचर नंबर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप यही लगाओगे, जो भी आपके पास इनवॉइस होगा और इनवॉइस के ऊपर जो वाउचर नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में आपको अपना सप्लायर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बालाजी ट्रेडर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर जो लेजर हमने क्रिएट किया है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आपका यस रहना चाहिए। और उसके बाद में जो हमारे पास स्टॉक आइटम होगी वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आइटम आपके पास कोई भी हो सकती है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने क्वांटिटी 10 पीसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, रेट इसका 1000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको राउंड फिगर में हम कर लेते हैं 950 रुपये का। और उसके बाद में परचेज लेजर और CGST का लेजर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और SGST का लेजर भी हम सिलेक्ट करते हैं। लेजर के अंदर आपको ऐसे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है इस फंक्शन से रिलेटेड, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप 9500 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, 570 रुपये के टैक्स आ गए, टोटल वैल्यू बन गई 10640 रुपये की, एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखोगे ये तीनों का वेरिफिकेशन आपको अलग अलग दिखाएगा,
सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंट भी देगा सीजीएसटी D123 यानी कि सीजीएसटी का और वाउचर नंबर 570 रुपए की अमाउंट यहाँ पर है। उसके बाद में एसजीएसटी D123 जो वाउचर नंबर था 570 रुपए है, और उसके अलावा जो टैक्सेबल वैल्यू थी 9500 रुपए की, उसका केवल इसने रेफरेंस नंबर के अंदर D123 ऑटोमेटिक ले लिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम इंटरप्रेस करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वाउचर को हमने सेव कर दिया। अब हम एक बार इसकी रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, होल्ड जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा भी बालाजी ट्रेडर्स का नाम है, उसके बाद में आपको 570 रुपए आपने इस पार्टी का जीएसटी अमाउंट है जो होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट आ रही है। अब मान लीजिए ये जो 1140 रुपए है ये आपका ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिस पीरियड के अंदर, चाहे वो क्वार्टर रिटर्न फाइल करेगा तो आगे वाले मंथ में दिखेगा, नेक्स्ट मंथ में करेगा तो, या रिटर्न लेट फाइल करिए तो आपको वो नेक्स्ट मंथ के अंदर दिखाई देगा। अब उसके बाद में जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, वाउचर पे हम चलेंगे और हम पेमेंट वाउचर के लिए F5 हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लेजर देख लेते हैं बालाजी का। लेजर देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अकाउंट्स बुक लेजर, ठीक है, यहां पर हम बालाजी को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहां देख सकते हो बालाजी का एक वही इनवॉइस आ रहा है जो अभी हमने परचेज एंट्री के दौरान किया था, और बाकी इसका ओपनिंग बैलेंस है। अब हम इसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए वाउचर पे जाएंगे, F5 हम यूज करते हैं पेमेंट के लिए। तारीख आपकी कोई भी हो सकती है, मान लीजिए हम 31 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम 89 वाउचर नंबर लगा देते हैं। बालाजी ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मान लीजिए मैं इसको एक बारी 5000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सारा रेफरेंस आ जाएंगे भी आप ये जो पेमेंट कर रहे हो किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, टैक्स के अगेंस्ट में कर रहे हो या फिर इसके टैक्सेबल वैल्यू के अगेंस्ट में कर रहे हो। तो जाहिर सी बात हम टैक्सेबल वैल्यू के अगेंस्ट में करेंगे तो D123 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सीजीएसटी एसजीएसटी आपको यहाँ पर नाम के साथ दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर वो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें पता नहीं चलेगा अभी ये जीएसटी की अमाउंट है या फिर टैक्सेबल वैल्यू है, तो टैक्स की अमाउंट होगी उसके आगे सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा ऑटोमेटिक आएगा। तो हम जो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर था D123 उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए केस हमने करेंगे यहां पर और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप मान लीजिए इसकी टोटल कंप्लीट आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं लेजर पर, बालाजी का लेजर ओपन करेंगे। तो यानी कि 10640 के अंदर हम 5000 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं जबकि टैक्सेबल वैल्यू थी 9500 रुपए की। अब मान लीजिए अगर हम इसी एंट्री को 9500 रुपए करते हैं, 9500 रुपये अगर हम इसकी एंट्री को करते हैं यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब हो गया भी हमने इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी उसका भुगतान हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसकी केवल जीएसटी की अमाउंट रहेगी। तो अब जैसे जीएसटी की पेमेंट पर हम जाएंगे, होल्ड जीएसटी पेमेंट पे चलते हैं, और उसके बाद में उस बालाजी ट्रेडर्स का हम लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा भी 570 रुपये की टैक्स की अमाउंट अभी भी होल्ड पड़ी हुई है। तो इस बिल को सेटल करने के लिए आपके सामने यहां पर भी एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटल बिल्स का, आप एल्ट बी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाएगा भी बिल सेटलमेंटल बालाजी ट्रेडर्स 570 रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर वाउचर की डेट जिस तरीके के अंदर हम पेमेंट करेंगे, मान लीजिए हमने इसकी पेमेंट करेंगे 2500 में, ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो, कैश के थ्रू कर रहे हो, वो ऑप्शन आपसे यहां से पूछा जाएगा। कैश नरेशन के अंदर हम इसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं भी जो हमारा जनवरी मंथ का जो इनवॉइस था उसके अंदर जो इसकी जीएसटी पेमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि अपनी रिकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग आपने इसका नरेशन आप बना सकते हो। एक्सेप्ट करेंगे तो अब यहाँ देखो कि 570 रुपये जबकि इनवॉइस की अमाउंट आपकी कितनी थी 570 प्लस 570। तो अब ये ऑप्शन जो हमें 570 रुपये का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसकी पेमेंट हमें कंप्लीट यहाँ पर होगी 570 और 570 यानी कि 1140 रुपए की ये पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों को। यहाँ देखोगे अगर आप मान लीजिए इसको बैक करता हूँ मैं और आपने केवल एक पे क्लिक कर दिया और हम बिल सेटल को कर रहे हैं तो यहाँ आप देखोगे अमाउंट आपको 570 दिखाएगा। दोनों अमाउंट आप क्लिक कर रहे हो तो इसके लिए आपको इन दोनों शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो के साथ इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों अमाउंट 1140 की आएगी। अब बिल सेटल बिल पे जाएंगे अब यहाँ पे दिखा रहे हो 1140 रुपए की अमाउंट जो
आपको दिखाएगा। और यहां पर भी इसकी एंट्री है जो 1140 दिखाएगा, ये अगेंस्ट जो रेफरेंस है ये ऑटोमेटिक यहां पर उठा लेगा। अब इसका जो भी रिसिप्ट नंबर आपके पास आएगा वो रिसिप्ट नंबर हम यहां पर डालेंगे और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब इसकी जो जीएसटी की पेमेंट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से होल्ड जीएसटी की जो रिपोर्ट्स है, इस पेमेंट है, ये हमारा जो आईटीसी है काफी हद तक हम इसको सिक्योर रखने के अंदर ये हेल्प करेगा। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट जरूर करना, और ये फीचर आपको कैसे लगा ये भी जरूर करना। अब बात हम करते हैं भी ये होल्ड जीएसटी का जो रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा कैसे, कैसे एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको टीडीएल का यूज करना होगा। टीडीएल कौन सा है वो आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर टीडीएल का जो नाम है वो रहेगा होल्ड जीएसटी अमाउंट के नाम से, ठीक है ना। आप इसको टेलीशॉप पे जाके यहाँ से सर्च भी कर सकते हो टेलीशॉप से, और उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में आपको परचेज वाउचर के अंदर इसको इनेबल करना होगा। परचेज वाउचर पे चलने के लिए हम क्या करेंगे, एल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पर हम चलेंगे और परचेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और परचेज को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको एक दिखाई देगा, इनेबल होल्ड जीएसटी अमाउंट, इसको आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पार्टी का जो मेन है मेंटेन्स बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को भी आपको इनेबल यानी कि यस करके रखना पड़ेगा, तभी ये फीचर्स पर्टिकुलर उस पार्टी के लिए वर्क करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी जरूर कर लेना।